कहानी में एक आदि होता है, कहानी में एक मध्य होता है, कहानी में एक अंत होता है, कविता में आदि ही अनंत होता है, और जो तेरे मेरे मध्य होता है वही तो कविता का असल छंद होता है। हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम राजेश तेलंग है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जनाब शाहनवाज से। मेरी नौकरी खतरे में आ चुकी है सर। एक्टर तो है ही, अब आप न्यूज भी पढ़ने लगेंगे। अरे क्या करें यार, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है सब कुछ। चलिए, इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया है, तो आज हम मिलवाने जा रहे हैं राजेश तेलंग जी से, जो कई सारी फिल्मों में आए हैं। इनको फिल्में तो आपने देखी होंगी, इन्होंने एनएसडी से पढ़ाई भी की है। लेकिन सर, एनएसडी से पहले क्या था? राजेश, मैं वैसे फिजिकली तो बीकानेर राजस्थान में था, ठीक है, और मेंटली हमेशा एक्टिंग की दुनिया में ही था। मेंटली हमेशा आप माया नगरी में? माया नगरी में नहीं कहूँगा, बट हाँ, मतलब जो हम एक माया क्रिएट करते हैं नाटकों के जरिए, फिल्मों के जरिए, टेलीविजन के जरिए, उस माया नगरी में जरूर था। कहाँ से चस्का लगा सर? वहीं बीकानेर से? चस्का बिल्कुल, हाँ, बचपन में ही। मेरा परिवार थोड़ा कलाकारों वाला है, सारे म्यूजिशियंस हैं, हालांकि मैं सबसे बेसुरा हूँ, और तो वो उस वजह से घर में कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी कि कलाकार नहीं बन सकते या डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, इस तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। चाचा जी ने एक नाटक भी करवाया था और इस तरह से कुछ कुछ काम करते रहे। मेरे पिताजी की एक प्रिंटिंग प्रेस थी, तो वो क्या है कि हमारे यहाँ सारे पिक्चर हॉल के टिकट छपते थे, बीकानेर के 4-5 थे उस दौरान, और पिताजी हमको ले जाते थे वहाँ पे, उनके साथ जाते थे। तो वो जब भी अपना, मतलब वो व्यापार कर रहे होते थे उस दौरान, हमको बैठा देते थे पिक्चर हॉल के वो प्रोजेक्टर रूम में विंडो के पास। सर ऐसा तो नहीं, स्कूल पे मुझे क्या लगता है ना कि मेरे घर में अगर प्रिंटिंग प्रेस होता तो रोज 4-5 टिकट गायब होती और दोस्तों को ले जाके मैं दिखाया। उसकी जरूरत यूं नहीं पड़ती थी क्योंकि हमें पासेज मिल जाते थे। अच्छा अच्छा, पिक्चर अगर किसी को देखना है या दोस्तों को दिखाना है तो पासेज मिल जाते थे, और साथ में मतलब पिक्चर देखते हुए कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाता था। अच्छा, कभी ऐसे दोस्तों ने बोला नहीं यार राजेश 4 टिकट देना जरा? हाँ, कई बार बोलते थे, मतलब उस फिल्म में जैसे ओपन होती थी और हाउस पैक होता था, और उस दौरान तो ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी टिकटों की, और वो तो उसमें दोस्त जरूर कई बार करते थे, लेकिन वो हम अरेंज हो जाता था पिताजी के जरिए, क्योंकि पिताजी ने भी कभी ये नहीं कहा कि फिल्में वगैरह कोई गलत चीज़ है या ऐसा है, वो देखने में भी कोई रोक टोक नहीं की। एनएसडी कैसे दाखिला हुआ आपका? एनएसडी में ऐसे ही हुआ कि मैं गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली आ जाया करता था, मेरे बड़े भाई साहब यहाँ रहते थे कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग की, तो वो उनको बड़ा परेशान करता था, उन्होंने बच्चों की वर्कशॉप्स करवाना शुरू कर दिया मेरे को एनएसडी की जो होती हैं। फिर राजस्थान में नाटक करने लगा, और फिर 90 में मतलब लकीली मेरा दाखिला हो गया एनएसडी में। तो 93 कोई आपके बढ़िया एक्सपीरियंस बताइए एनएसडी का, जो आपके टीचर्स के साथ कभी रहा हो या कभी? काफ़ी लोग निकले, नसीर साहब वहाँ से निकले हुए हैं जी, हमारे टीचर थे, उन्होंने पढ़ाया भी हमारे। तो कुछ एक अच्छा वाक्य कभी? मेरे को एक ये था कि मैं एक्टिंग बहुत करता था। अच्छा, मतलब पहले ही कर रहा था, एनएसडी से पहले ही काफ़ी नाटक कर चुका था राजस्थान में और अलग अलग जगह पर, दिल्ली में। और तो मेरे को लोग बोलते थे कि यार एक्टिंग तो ठीक करते हो लेकिन अमिताभ बच्चन की वो झलक आती है। अच्छा, ऐसा वाला। हाँ, क्योंकि लंबा था और बहुत इन्फ्लुएंस भी थे उनसे, तो मैं इससे बड़ा परेशान रहता था कि यार इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सारा कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलता। तो बैरी जॉन हमारे साथ पहला नाटक करने आए, तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरी, कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि यार करता खुद हूँ और लोग समझते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन? ये नहीं, ये क्योंकि कॉपी कर रहा है ऐसा लगता था, कॉपी कर रहा है जी जी। तो मेरे को फिर बैरी जॉन जब आए पहली बार, मैं वही बता रहा था, तो मैंने उनसे ये कहा कि सर आप मेरे को इस चीज़ से मतलब मुक्ति दिलवाइए, ये जो तमगा लग जाता है मेरे बार बार। हाँ, तो मैं हालांकि उनको पसंद करता हूँ लेकिन मैं वैसा तो नहीं करना चाहता, अलग एक पहचान बनाना चाहता हूँ, अपनी स्टाइल, अपना एक पहुँच तरीका बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब एक दिमाग में बैठ जाता है ना कि अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है, अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करता है, वो जिंदगी भर निकाल नहीं सकते आप दिमाग से किसी के। लेकिन वो निकल गया लकीली, वो उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया उसका। उन्होंने कहा कि जो नाटक कर रहे हो उस नाटक में तुम अमिताभ बच्चन की कॉपी करना है, मतलब ये कैरेक्टर अपने आप को अमिताभ बच्चन मानता है, ऐसे करना है। मैंने कहा सर ये तो उल्टा हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, करके देखो और घुसा देंगे आप उसमें। हाँ,
तो फिर उन्होंने कहा करके देखो। तब मैंने जब ये देखा कि अब मुझे अमिताभ बच्चन जैसा करना है, तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे नेचुरली आ जाती हैं और कौन सी चीज़ें मुझे लानी पड़ती हैं। तो मैं अपने और उसमें फ़र्क कर पाया। और उसके बाद लेकिन कभी भी मुझे मतलब 20-25-30 साल हो गए इस बात को, कभी किसी ने ये बात नहीं कही। सर वहाँ से निकलने के बाद बॉलीवुड में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो करना पड़ा तो मैं स्ट्रगल तो अभी तक भी है नहीं अभी तक है लेकिन अब लोग जानने लगे हैं ना, मतलब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीच बीच में काम आता रहता है। आपको एक्टर जानने लगे हैं, अब आपको डायरेक्टर्स जानने लगे हैं और लोग भी आपको अच्छे खासे जानने लगे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा? मैं NSD से निकलते मुझे लगी लिए एक बहुत बड़ा सीरियल मिल गया था, शांति, जो पहला डेली सोप था। तो दूरदर्शन पे, हाँ दूरदर्शन पे आता था, वो पहला डेली सोप था और उस दौरान और ज़्यादा चैनल तो होते नहीं थे, तो उसमें काफ़ी काम किया। उसके बाद कुछ फिल्में की मैंने, गोविंद निलानी जी के साथ 3 फिल्में की, 1084 की माँ, तक्षक, देव, 1084 की माँ, उसमें जय बच्चन जी, जी जी जी, और वो मेरी पहली फिल्म थी, मैं 26 साल का था उस वक्त और मैंने उसमें 60 साल के बूढ़े का रोल किया था। कैसे, मतलब अजीब सा नहीं लगा आपको? क्या बना गोविंद जी को, डायरेक्टर को बोला नहीं हमने, क्या बना रहे हो? बोला सर, मैंने कहा पहली फिल्म में आप मेरे को बुड्ढा बना रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत सारे लोगों ने किया है और मुझे लगता है ये करो तुम, इम्पोर्टेंट है। वो सीमा विश्वास के हस्बैंड का करेक्टर था उसमें। और अच्छा मुझे याद है एक बार अनुपम खेर जी ने भी बहुत, उन्होंने अनुपम खेर का ही जिक्र किया था, हालांकि उस फिल्म में अनुपम खेर भी थे। अच्छा, मैंने अय्यारी देखी, फैंटम देखी, हसीना पारकर देखी, सारे सिमिलर रोल हैं आपके, मतलब मतलब जैसे अगर ये देखें किसी में, हाँ मतलब जैसे फैंटम में रॉ एजेंट था, अय्यारी में ब्रिगेडियर था, इवन ISI चीफ इसमें, उमेटा में भी आर्मी चीफ ही था, तो ये कुछ तरह इस तरह के करेक्टर्स हैं कुछ। हालांकि हसीना पारकर का थोड़ा डिफरेंट था, वो रियल लाइफ करेक्टर है श्याम केशवानी, लेकिन सारी लॉयर जो है वो सारी मार धड़ वाली और ऐसी मूवीज ही हैं जो आपको मिल रही हैं। कभी कॉमेडी में ट्राई किया आपने? मैं करना चाहता हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत वो मेरे दिल की तमन्ना थोड़ी पूरी हुई मुक्काबाज में। हालांकि वो करेक्टर बड़ा सीरियस है लेकिन निकलता फनी है वो, अल्टीमेटली हाँ उसमें लोग, मैंने हॉल में देखा बहुत लाफ्टर और बहुत सीटियां तालियां, डायलॉग्स बहुत मजेदार थे। पहचाना किसी ने हॉल में? मतलब पहचानते हैं लेकिन मेरी ज्यादातर फिल्मों में, मैंने हर फिल्म में इतना अलग गेटअप ट्राई किया है कि मतलब अगर वो दो फोटो साथ में रख दें तो आप पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो ये एक रहता तो है। हसीना पारकर में जो आपका गेटअप था बिल्कुल अलग, गंजा, तो आपको अगर देखूंगा सामने तो पहचानेंगे? नहीं नहीं कोई नहीं पहचानेगा कि एकदम गंजा और बुढ़ा हूँ उसमें। फिर अय्यारी में एकदम क्रू कट बाल है और बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से जब एक्टर के तौर पर आप नई लुक, नया अप्रोच ट्राई करते हो, उसका फायदा ये होता है कि आप हर करेक्टर में डिफरेंट लगते हो लेकिन पहचान बनने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है उससे। अच्छा, ओमेटा में राजकुमार राव और हंसल मेहता के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत मज़ेदार। हंसल मेहता जी के साथ मैंने एक उनकी पहली फिल्म की थी। अच्छा, 98 में, उसका नाम था जयते, वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। अच्छा, रिलीज ही नहीं, वो भी अनुराग कश्यप ने की भी पहली फिल्म थी जो उन्होंने लिखी थी। ये एक्टर के लिए बड़ा सदमे वाला चीज़ होती है ना कि उसने इतनी, हाँ इतनी मेहनत करते हैं, लगता है कि आप आए और नहीं आता। और कभी 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 ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं और वो सब रहता है, तो देखने के बाद पता चलता है तो मेरा रोल ये तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्य में मैंने, मेरा कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा एक्ट किया था, फिल्म में एक भी सीन नहीं है मेरा। अच्छा, सारा ही हटा, पूरा सीक्वेंस हटा दिया, मेरे 4 या 5 सीन थे ऋतिक रोशन के साथ और वो सारे के सारे, एक भी सीन नहीं है पूरी। ऐसा क्यों होता है? मतलब हालांकि उन लोगों की बहुत अच्छी बात है कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी हैं, उन दोनों ने मुझे एक लेटर लिखा और अपोलॉजी के साथ, तो ये एक एक, एक नहीं। ये थोड़ा सा एक अच्छा लगता है, प्रोफेशनल है, थोड़ा सुकून है, तो उस फिल्म में मैंने उस लेटर मेरा सुकून है। नसीर साहब से मिले? नसीर साहब से मैं मिला था सिद्धार्थ के दौरान। अच्छा, आपने जो मूवी की थी, हाँ उसमें उन्होंने एक दिन की वर्कशॉप की थी हमारे साथ और एक्टिंग भी की थी। मेरे फादर का, आपको पढ़ाने भी आते थे? पढ़ाने भी आते थे और वो बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट टीचर और ग्रेट एक्टर। मुझे मुक्काबाज में आपका रोल बड़ा अच्छा लगा, मतलब वो जो बैठ के आप पंखा ठीक कर रहे हैं और जब माँ बाप ही शून्य है तो बेटा कहाँ से आगे बढ़ हो जाएगा, वो बड़ा सही। DNA गड़बड़ है। हाँ, तो वो बहुत ही मज़ेदार था। और उसमें अनुराग कश्यप के साथ कैसा रहा काम करना? बहुत मज़ेदार, मतलब जिसको कहते हैं ना थिएटर जैसा माहौल, बहुत कोलेबरेटिव वर्क, आपके ओपिनियंस को
बहुत महत्व देते हैं वो, और बहुत ज़्यादा अपने आप को थोपते नहीं, लेकिन आपसे काम निकलवा लेते हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक स्क्रिप्ट नहीं देते हैं वो, बस बोल देते हैं तो ये लो चार लाइन कई बार तो पन्ना सुबह पकड़ा देते हैं सीन से जस्ट पहले चार लाइन लिख के अपनी आड़ी तिरछी राइटिंग में, मतलब वो राइटिंग कैसी भी हो लेकिन राइटिंग कमाल की है, राइटिंग कमाल वो पकड़ा दिए कि ये लो चार लाइन, हाँ ये देखो अभी करो, तो वो मुश्किल भी होता है लेकिन उसके साथ साथ मतलब वो एक फ्रेशनेस और एक स्पॉन्टेनिटी भी लाता है। कैरेक्टर में घुस पाते हैं उस टाइम एकदम से अचानक, मतलब कैरेक्टर में घुसना एक अलग चीज़ होती है, लाइंस उसी वक्त अदा कर देना एक अलग चीज़ होती है, तो कैरेक्टर तो एक जनरली मिल चुका होता है आपको, हाँ पहले दिन ज़रूर मुश्किल हो सकती है लेकिन वो बातचीत इतना करके हम एक 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 क्या एक किसी वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। अब आप नया क्या कर रहे हैं? अभी मेरी 3 वेब सीरीज ही आने वाली हैं, ठीक है, एक एक्सेल एंटरटेनमेंट की है मिर्ज़ापुर, और फिर एक दिल्ली पे दिल्ली पुलिस के बहुत ही हाई प्रोफाइल केस पे है। फिर आप पुलिस वाले बन रहे हैं? हाँ मिर्ज़ापुर में वकील हूँ, इसमें पुलिस वाला हूँ, और अभी एक एक और है जो नेटफ्लिक्स के लिए ही है। अच्छा, उसमें एक फील्ड क्रिकेटर हूँ। अच्छा, जो अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना। तो सारे आप लीड रोल नहीं कर, मतलब दो में ऑलमोस्ट, इसमें तो लीड ही है और दो में लीड है और एक में काफ़ी मेजर कैरेक्टर है मिर्ज़ापुर में। तो आप लोगों ने जाना राजेश तेलांग के बारे में, कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताइएगा, और अगले हफ्ते किसी नए एक्टर के साथ में, और इनसे मिलते रहिएगा शाना ज़रूर